वन परिवहन आवास एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों की सौगात दी। मंत्री अकबर ने संबोधित करते हुए कहा कि कवर्धा से प्रदेश के प्रमुख पुरातत्व धार्मिक पर्यटन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव पहुँच मार्ग तक सड़क निर्माण होने की मांग पूरा होने से पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा। राज्य के अलग अलग जिलों में आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी सड़क के बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कबीरधाम जिले के सभी पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल चिल्फी घाटी के ऊपर सरोधा धादर में ट्राइबल टूरिज्म सर्किल के विकास के लिए 12 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। इससे प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को समुचित विकास को नई दिशा मिल रही है। मंत्री अकबर ने कहा कि आज हुए 7 अलग अलग कार्यों के भूमि पूजन से जिले के विकास की कड़ी और जुड़ गई है। छत्तीसगढ़ सांकभरी बोर्ड के सदस्य हरि पटेल ने कबीरधाम जिले और जिले के पुरातत्व महत्व के स्थलों के समुचित विकास को नई दिशा देने के लिए मंत्री अकबर के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में जिले के पर्यटन को और ख्याति मिलेगी। कवर्धा पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने कहा कि कवर्धा से भोरमदेव मंदिर पहुंच मार्ग की सौगात के लिए कवर्धा नगर पालिक निगम की तरफ से आभार जताया। कैबिनेट मंत्री अकबर आज अपने रायपुर स्थित आवास से वर्चुअल के माध्यम कवर्धा विधानसभा के कवर्धा और बोल्दा जनपद पंचायत के 6 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत 10 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत 7 अलग अलग कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन कार्य में छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातत्व धार्मिक पर्यटन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर पहुंच मार्ग शामिल है। कवर्धा से भोरमदेव मंदिर 16 किलोमीटर सड़क का उन्नयन कार्य शामिल है। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप और कैबिनेट मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के प्रयासों से इसके लिए 9,60,00,000 रुपये की लागत से सड़क की मंजूरी मिली है। इस सड़क उन्नयन कार्य में 10 नग पुलिया और 5.44 किलोमीटर नाली का निर्माण किया जाएगा। अकबर ने बोडला जनपद पंचायत के 5 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 50,00,000 रुपए की लागत से स्वीकृत 6 कार्यों का भूमि पूजन किया। इस कार्य में ग्राम लेजाखार से कुल 2 कार्यों के लिए 16,85,000 रुपए, ग्राम मंडला टोला के 1 कार्य के लिए 16,31,000 रुपये, ग्राम रोचन के 1 कार्य के लिए 4,37,000 रुपये, ग्राम सरेखा के 1 कार्य के लिए 8,15,000 रुपये और ग्राम पंचायत चिमरा के 1 कार्य के लिए 4,39,000 रुपये के कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, अपर कलेक्टर V.S. उगी के, लोक निर्माण कार्यपालन अभियंता B.K. चौहान, SDO B.S. चौरसिया, कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य मुखीराम मरकाम, पीताम्बर वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष सावित्री साहू, बोडोड़ा जनपद अध्यक्ष अमिता प्रभाती मरकाम, अध्यक्ष सनत जायसवाल, अजमत उल्ला खान, मुन्नू चंद्रवंशी, अमित वर्मा, परमेश्वर मानिकपुरी, दीपक मांगरे, रियाज उत्तारी, सिद्धू यादव, पवन चंद्रवंशी, राजेश मरावी, विश्राम मरावी, गोरेलाल चंद्रवंशी, ग्राम पंचायत दलदली, हीरामणि ग्वाला, सरेखा सरपंच प्रतिनिधि, राजेश साहू, रोचन सरपंच, निर्निया पटेल चिमरा सरपंच, रामरति धुर्वे ले जा खारा सरपंच, अन्य प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।